नमस्कार साथियों एस एस सी एम टी एस दो हज़ार बाईस का जो एग्ज़ाम है 2022 का एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं ताकि हम लोगों को जो 2023 में किस तरह का प्रिपरेशन लेना चाहिए उसके बारे में हमको नॉलेज आ जाए तो पहला क्वेश्चन जो आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप तो मेन हॉकी वर्ल्ड कप जो होस्ट uh, किया था वो था उड़ीसा उड़ीसा में वो हॉकी ऑलरेडी मतलब जनवरी में हो गया तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा फिर नंबर दो क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनल नोन बाय द एफेक्शन एट मोनिकर नाइटेंगल ऑफ इंडिया पास्ट एवे इन फरवरी 2022 सो फेबर दो हज़ार में जो कि गुजर गई है किसको हम नाइटिंगल ऑफ इंडिया का उपाधि देते हैं वो थी हमारी जो बहुत बड़ी कलाकार लता मंगेशकर यानी कि वो एक गायिका थे उसके बाद नंबर थ्री क्वेश्चन शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट था संतूर इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन से आ, आर्टिस्ट किस इन मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से वो संबंधित है इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद नंबर फोर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोनाक डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड सो कोनाक टेम्पल उड़ीसा में है तो कोनाक डांस फेस्टिवल भी उड़ीसा में हो, मतलब होगा उसके बाद नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ टू हाउसेस इन स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे अभी सात ऐसे आ, स्टेट है जहाँ पर दो लेजिस्लेचर है यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस सो so, इन चार ऑप्शन में से महाराष्ट्र में हमारा दो स्टेट लेजिस्लेचर अभी भी है नंबर सिक्स स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट हम जानते हैं कि हमारे जो डेज़र्ट में राजस्थान में जो एक ही एकलोता ऐसे रिवर है जो लूनी रिवर है वही सबसे बड़ा सबसे छोटा जो भी सबसे छोटा तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा है लूनी रिवर फिर नंबर सेवन विच कंट्री ओन द टू थाउजेंड मेंस एफ आई एच हॉकी वर्ल्ड कप इसका सही आंसर होगा बेल्जियम ये स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में हम अलग से हर एक स्पोर्ट्स के बारे में कब हो, होगा कहाँ पर होगा कौन प्राइज जीता है मतलब प्रीवियस में तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर कर पाएंगे उसके बाद नंबर एट द बुक मोदी गवर्नमेंट द न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म इसका जो ऑथर था ये था सीताराम येचुरी एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर है उसी ने ये किताब ने लिखा था मोदी गवर्नमेंट द न्यू सार्ज ऑफ कम्युनलिज्म ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन है ये कभी भी पूछा जा सकता है नंबर नाइन आई होल वॉज द कैपिटल ऑफ आई होल वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्स जो चालुक्यस थे उनका जो कैपिटल था वो था आई होल नंबर टेन हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी डॉक्टर ऑफ लैप्स ये पॉलिसी चालू किया था लॉर्ड डालहोसी ने तो इसके बारे में जो भी वाइस रॉय है उसके बारे में हम एकदम एक एकदम पूरा के पूरा कंप्लीट एक लेक्चर बनाएंगे ताकि यहाँ से हर हर सेक्शन में हर मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं एक या दो नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं तो इसके बारे में एक वीडियो हम जल्दी बनाएंगे नंबर ग्यारह टंकेश्र हजारिका का बरवायन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ये जो क्लासिकल डांस है ये था सत्रिया नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन अप्रैल दो अब वन हेल्थ प्रोजेक्ट ये तो कंज्यूमर अफेयर्स तो हेल्थ का प्रोजेक्ट इशू नहीं करेगा फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी तो नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कर सकता है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग तो यह का सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग नंबर तेरह व्च ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है सही आंसर है गार्डन का है कि फॉरेस्ट वो नेचुरली ग्रो होता है लेक भी नेचुरली होता है पौंड भी नेचुरली तालाब भी नेचुरली होते हैं तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो है गार्डन में दिखा जाता है व्हीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज इंसॉल्यूबल इन वाटर मतलब पानी में घुल घुलने वाला चीज़ कौन सा नहीं है सॉल्ट यानी नमक घुल जाता है सुगर शक्कर भी घुल जाता है मिल्क ये तो ये भी तो पानी के साथ ऐसे ही तो घुल जाता है तो फिर चौक पाउडर होगा सही आंसर जो पानी के साथ नहीं घुलता है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2022? सो so मार्च 2022 तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्यारह है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्ध फास्ट प्रीच द धर्म फास्ट गौतम बुद्ध ने धर्मा का प्रीच किया था सारनाथ में ये आपको याद रखना है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है द ट्रिटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड इन एट्टीन फोर्टी सिक्स बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड महाराजा दलीप सिंह जो कि पंजाब प्रोविंस के थे वो उससे और ब्रिटिश एम्पायर के साथ ये ट्रिटी ऑफ लाहौर यानी कि लाहौर चुक्ति साइन की गई थी नंबर एट्टीन अंत्योदया अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइट ये अन्न योजना जो है यानी कि जो रेशन की व्यवस्था है मुफ्त में रेशन देने वाला जो व्यवस्था था वो पोवर्टी रेशन तो पोवर्टी के लिए ही दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे नहीं होगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का तो समस्या समाधान नहीं होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होने वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ भी ये इससे कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है तो ये प्रोवर्टी होगा सही आंसर व्हाट इज द सेक्स रेशियो अप्रॉक्स ऑफ इंडिया एज पर सेंसेक्स 2011 इलेवन सो सेंसक्स से एक क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं हालांकि अभी भी टू का जो सेंसेक्स है वही सबसे ज़्यादा सेंसस अभी भी मतलब चर्चा में है और इसको भी अभी पढ़ना चाहिए क्या कि 2021 के बाद जो हमारा 2021 में जो होने वाले थे वो तो कोविड ड्यू टू कोविड वो तो मतलब बंद हो गया पोस्टपोन्ड हो गया नहीं हो पाया अभी 2022 के अक्टूबर तक कोई भी सेंसस नहीं होगा ऐसे मतलब बात बोल दिया गया है तो 2022 में भी होने का कोई संभावना नहीं है और अप्रैल दो में एग्ज़ाम है तो दो का सेंसस ही हमको पढ़ना पड़ेगा तो उसमें सही आंसर होगा 2011 सेंसस के हिसाब में हमारे यहाँ सेक्स रेशियो है 940 फोर्टी फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स हजार पुरुष के संख्या में 940 महिलाएं हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियास रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी इग्नियास रॉक ये रॉक बहुत सारे का जो रॉक होता है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे ये इग्नियास रॉक का एग्जांपल होता है बैसॉल्ट बैसोल्ट एक इग्नियास रॉक है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द फिनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन फ्रॉम इसका तो सही आंसर होगा फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च वैसे जो तीन ऑप्शन दिया है ये भी मतलब ऐसे देख के समझ जाते हैं कि आंसर नहीं होने वाला है क्या कि जो फिनेंशियल ईयर होता है ईयर में तो बारह महीना होना चाहिए यहाँ पर देखो फास्ट जनवरी से अगर थर्टी दिसंबर तक बात होती फिर भी हम समझते थे यहाँ पर फास्ट अप्रैल अप्रैल से क्या होता है अप्रैल से मार्च तक होता है फिर यहाँ पे जून तक दे दिया है फिर फास्ट जून फास्ट जून से क्या होता है अप्रैल मई थर्टी फर्स्ट मई तक होता है लेकिन यहाँ पे सब के सब बारह महीना का बात नहीं बोला है तो ऐसे सही आंसर भी होगा फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च जो कि बारह महीना का हमारा फिनंशियल ईयर है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द ओडीसी डेंस ओडीसी डेंस का ऑरिजिन कहाँ होगा ओडिशा स्टेट में होगा नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग ट्रेन ऑफ इंडिया इज द फास्टेस्ट एज पर ट्रायल रन एज ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फास्टेस्ट ट्रेन अभी भी इंडिया में है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन एटीन जिसको कहा जाता है क्योंकि वो 2018 में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट की गई थी अभी तक देश में नौ वैसे वंदे भारत ट्रेन अभी चलाए गए हैं फिर 24 क्वेश्चन ग्यासुद्दीन वॉलवन जो कि बारह सौ पैंसठ से बारह सौ छियासी ए तक की वो मतलब रूलर थे ऑफ द स्लेब डिनेस्टी Took up द टाइटल ऑफ कौन सी टाइटल वो लिए थे वो लिए थे जिल इलाही यानी कि सैडो ऑफ गॉड ये टाइटल उन्होंने लिए थे फिर लास्ट क्वेश्चन 25 फाइव वाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा ये केमिकल फार्मूला ये मतलब जो बेकिंग सोडा का जो ट्रेड नेम है और जो जिसको बोलते हैं कि जिस नाम से उसको मतलब जाना जाता है ये भी बहुत बड़ा एक सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा उसको कह, कहते हैं एन यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि बेकिंग का पहला क्या है बी तो बाई जिसमें होगा सोडियम कार्बोनेट अलग है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट अलग सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो चीज़ है उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं तो ये था जन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ट्वेंटी इसमें किस जगह से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो हमने देख लिया